गाइज यहाँ पे फाइनली हमें यह दिखना शुरू हो चुकी है BGSBU यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह। ये यार शख्सियत का नाम है ना, जिन में जो जो कोई उनको जानता है ना, उनको दीवाने हैं लोग उनके, जो कि शादर शरीफ वाली ज्यारत है उनके नाम पे ये यार यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और बहुत ही खतरनाक बिल्डिंग हमको दिखाई दे रही है पहाड़ के ऊपर, एकदम नेचर इकोसिस्टम में। और थोड़ी थोड़ी रोड यू नो ऑफ रोडिंग तो आती रहेगी, अगर ये कुछ नहीं होगा तो फिर भाई साहब वो मज़ा फन कहाँ जाएगा। और अभी आगे से होने वाली है हमारी एंट्री, यहाँ से भी गेट है और एक गेट मेन ऊपर से है और ये उसकी बैक यार्ड से एंट्री है। बताते अभी हमको आपको, हमको नहीं हम आपको बताते हैं। एंड काफ़ी खराब रोड, काफ़ी ये मैं सोचेगा कि मैं यहाँ पे तेज़ चला रहा हूँ, ये गोप्रो में तेज़ लगता है, स्पीड ओनली 20 की है। एंड यहाँ से एंट्री होती है और अभी फ़िलहाल गेट पे तो आई थिंक अंदर हो गए वो। एंड लेट अस गो, काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रोड अच्छी है। एंड इस जगह से मैं एक बार पहले भी आया हूँ इसे मेरे को पता, यहाँ पे ऊपर भी एक ब्लॉक है और इन बाकी ऑल इन ऑल एकदम मज़ेदार है बाबा। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं यूनिवर्सिटी में एंड बड़ा मज़ा आएगा। अभी हम आगे आगे देखते रहो क्या होता है क्या। तो गाइस रुक चुका हूँ मैं भी कुछ ऐसी लोकेशन पे, बाइक मैंने ये पार्क करा है, ये लोकेशन कुछ अच्छी यार दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जो जो भी ब्लॉक हैं, जिम है और बॉयज़ हॉस्टल भी, गर्ल्स हॉस्टल भी, सारे इस साइड ये सामने गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल इधर ऊपर वो ऊपर भी है एक, एंड बाकी इधर और ये सारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पे यार स्टाफ के, ये सारे क्वार्टर्स हैं जो स्टाफ वाले हैं ना। बाकी फुटबॉल ग्राउंड भी इसी साइड है और ऊपर तक अभी हम चलेंगे, उस साइड से भी व्यू बताएंगे। सिर्फ बारिश ही आनी चाहिए। अभी एक अपने भाई आने वाले, उनसे हम एक बार मुलाकात कर लेते हैं, वो उनको मैंने स्पेशली बुलाया अपने अमजद भाई। सो देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। सो गाइस यार जिस भाई की मैं बात कर रहा था वो ये रहे अपने अमजद भाई, सामने खड़ा अपना ब्लैक बुल और पीछे अमजद भाई की गाड़ी। अमजद भाई यार कैसे हो आप? बढ़िया। और अभी आ चुकी है बारिश और हम फंस चुके हैं, ऐसी कुछ लाइब्रेरी है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, अभी हम रुके हैं। एंड ऑल ओवर ये है जो पूरी जगह, ये यार यूनिवर्सिटी की है। और अमजद भाई क्या हाल चाल है आपका? आपको भी हमने अपने साथ कज़ल कर दिया बारिश में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी गाइज अभी आई थिंक अमजद भाई यार ये जब बारिश रुकेगी तब इनको हम भेज देंगे, फिर मैं ऊपर एक्सप्लोर करूँगा, एक दो लोकेशन और है वहाँ पर जाएंगे और आपको बताते हैं। छूट चुके हैं अपने साथ अमजद भाई, यार बारिश होके ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर थी कैंटीन, ले ली हमने कोल्ड ड्रिंक, साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी। और अभी अमजद भाई अपना चला रहे हैं बुलेट और बोलते हैं तेरे को किसी एक ऐसी लोकेशन पे लेकर चलता हूँ ना कि याद करेगा। सो देखते हैं, लेट्स सी। एंड गाइज ये सामने में आपको दिखाई दे रहा है, ये है गाइज यार बॉयज़ हॉस्टल एंड इस साइड रहा ये गर्ल्स हॉस्टल। सामने में ये सामने में दिखाई दे रहा है आपको। नहीं पानी भैया, अच्छा अच्छा इधर आते जाते रहते हो आप? हाँ क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी है ना, तो क्या करते भैया। सो गाइज ऐसी कुछ रोड है यहाँ से, कितनी खतरनाक है यार, मज़ेदार। जब सनलाइट होती है तो तब ये इसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और आई डोंट नो मैं इसको यार कैसे बयां करूँ, जितनी ही तारीफ करो उतनी कम है इस चीज़ के बारे में। मैंने कभी इससे ज़्यादा कभी भी मैंने तारीफ़ नहीं की। और गाइस ये सामने रहा यार एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक एंड यहाँ से ऊपर ये रोड देखना आप एक बार, चढ़ाई एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त। एंड यहाँ पर गाइज ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ही है एंड इससे ऊपर गाइज यहाँ पे यार सेंट्रल लाइब्रेरी है ये यहाँ पे। एंड बाकी ऑल इन ऑल यहाँ पे ऊपर उर्दू डिपार्टमेंट, अरबिक डिपार्टमेंट, इस साइड ये आई थिंक कैफ़े है बट ये बंद है। एंड इधर उधर ये जो पेड़ है ना ग्रीनरी, वाह मज़ेदार अमजद भाई मज़ेदार। तो गाइस यहाँ पे भी आपको बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलेंगे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बन के तैयार हो चुके हैं, कुछ में लड़के रहते हैं। एंड उधर बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता यहाँ से जाता है, यहाँ से ऊपर भी डिपार्टमेंट हैं। एंड ये जगह के लिए फाइनली जिसके लिए मैं आया था, यहाँ से पूरा यार पलमा, बूढ़ी मोड़, कैंची मोड़, अपना नगरोटा एंड ऑल ओवर इलाका यहाँ से दिखता है। ऊपर चल के मैं रुकता हूँ, वहाँ पे चल के आपको बताते हैं, अमजद भाई से थोड़ा पूछते हैं क्योंकि ये बंदा यहाँ पे ज़्यादा रहा है एंड ही नोज़ वेरी वेल। गाइस यहाँ से ऊपर ये रहा यार सिविल का डिपार्टमेंट एंड ये ऊपर गाइज यार वर्कशॉप है जहाँ पे बच्चे अपने अपने यार प्रैक्टिकल वगैरह परफॉर्म करते हैं। एंड वो ऊपर गाइज यार BSc नर्सिंग का हॉस्टल रहा एंड इधर पे BSc नर्सिंग का कोर्स भी होता है, उसका कॉलेज ये नीचे रहा। इधर आई डोंट नो कैमरा विजिबल होगा बट आप अगर आप कभी खुद यहाँ पे विजिट करते तो तभी पता चलेगा। एंड बाकी ऑल इन ऑल अभी बारिश होकर रुक चुकी है, इतना मस्त मौसम हो चुका है ना कि पूछो मत। अभी हम यार टॉप पे ही जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट आपके लिए कुछ हम एकदम मस्त लाते हैं। देखो गाइस
क्या मजेदार व्यू अमजद भाई। यार ये सच बताना आपको यार कैसा लग रहा है यहाँ से? बहुत ही खतरनाक व्यू है। और अभी यार बारिश होकर रुक चुकी है और बहुत ही अमेजिंग, सभी एकदम मस्त मौसम हो चुका है। ये गाइस हमने रहा पलमा एंड ऊपर बादल देखो कितने ही यार काले काले हो रखे हैं। आई थिंक फिर से बारिश आने वाली है। एंड उधर से वो रोड सीधा जाती है गाइस पीछे बुद्दल बकोरी, ऑल ओवर का इलाका यही है। अपना घर उधर रहा वो नीचे, यहाँ से विजिबल नहीं है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है। बाकी ऑल एंड ऑल आप देख लो एकदम मस्त मस्त मस्त। अपने जे एंड के भी बहुत बहुत अच्छी जगह है, हम इनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते बट हाँ इनको यार क्लियर वर्ड्स में भी नहीं बोल सकते, बट हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड बाकी अमजद भाई कोई और लोकेशन है तो आप हमें वहाँ पे जरूर से लेकर चलिए। शाबाश यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अभी हम खड़े हो जाते हैं। एंड यहाँ से देख लो गाइस नीचे हेलीपैड भी हमको दिखाई दे रहा है, ऑल ओवर कंटेन्स वगैरह है, हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट और काफ़ी सारी मस्त लोकेशन है गाइस, बहुत ही खतरनाक। सीरियसली अगर मेरा होता अगर कोर्स यहाँ पर मैं ज़रूर से यहाँ पर करता, बट आई डोंट नो यहाँ पे नहीं है, बट होना चाहिए यार, बी फार्मेसी भी होनी चाहिए। मैं ज़रूर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे बी फार्मेसी ला जाए क्योंकि यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो अपनी जे एंड के में भी होनी चाहिए। एंड बाकी ऑल इन ऑल ये भी गाइज यहाँ पे यार सिविल का डिपार्टमेंट है। एंड अपने अमजद भाई खड़े और चलते हैं अभी हमें आगे, अभी हमें यहाँ से निकलना है आगे फटाफट अपने घर वाली साइड। सो लेट्स गो अमजद भाई, बाय 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 अमजद भाई जा रहे हैं, लेट्स गो। सो गाइज फाइनली टाइम आ चुका है यहाँ से निकले का। हमजे अपने अमजद भाई चल चुके हैं अपने आगे आगे और आई थिंक वो यार काफ़ी आगे निकल चुके हैं एंड मैं अभी उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। आई डोंट नो वो यहाँ से गए या फिर दूसरी वाली साइड से। और यही था अपना कुछ व्लॉग और आई डोंट थिंक सो के उतना बेहतरीन बना होगा बट फिर भी बढ़िया हो चुका होगा। और अभी हम निकलते हैं सीधा घर वाली साइड ही और उधर ही पहुँच के मैं करूँगा आज की वीडियो का एंड। आई थिंक शाम को ही पहुँचूँगा क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और लंच वगैरह हमने यहीं पर करा। एंड बाकी ऑल इन ऑल आप देखो ना इतनी मस्त यूनिवर्सिटी है, सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर। सो लेट्स गो, मिलते हैं आपको आगे जाके। तो यार गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं यार पांजा पे एंड काफ़ी सारा जाम है इधर। जे एंड के पुलिस वालों की गाड़ी भी फंस चुकी है ड्यू टू जैम। और अगर कोई एम्बुलेंस वगैरह या फिर फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी होती है उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, बट अब क्या करें, स्पेस ही इतनी कम स्पेस है तो उसी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल चलो जो भी है डेवलपमेंट होगी बट इट मे टेक सम टाइम। एंड बाकी अपनी रजौरी इज़ ब्यूटीफुल। सीधा चलते घर पे, घर पे अपना थारा भाई उधर ही है और बोल रहा है भाई आज कुछ हम यार रिवेंज करेंगे गाड़ी के साथ। देखते हैं भाई क्या रिवेंज करता है। और टाइम यार अच्छा खासा हो गया ड्यू टू सम वर्क, कुछ और काम भी था मेरे को नीचे मार्केट आके, वो भी फाइनली हो चुका है। तो चलते अभी हम घर।